अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मकदम है आपका फिदानामे में। दोस्तों, हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम जमालुद्दीन खां अला रहमत रिज़वान एक ज़बरदस्त आलिम और एक तबीब और माहिर कामिल शख्सियत थे। बहरे शरीयत और तरीक़त के शनावर बेलौज़ ख़ादिम क़ौमो मिल्लत थे। इब्तदाई तालीम अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना खुदा बख्श अला रहमत रिज़वान से हासिल की और तफसीर व हदीस उसूल फ़िक़ा सरफ़ नौ लुगात व मानी मंतिक व फ़लसफ़ा की तहसील जाम मनकूल व माकूल हज़रत मौलाना अबुल हसनात अब्दुल्हय फरंगी महली अला रहमत रिज़वान से हासिल की, जबकि तिब व हिकमत में नामुर हकीम हाज़िक हज़रत अब्दुल्हय जवाई टोला लखनऊ से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल किया। इस तरह आप इल्म दीन और तिब में जामे हुए। सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अला रहमत रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत सदर शरिया अला रहमत रिज़वान के वालिद माजिद हज़रत मौलाना हकीम जमालुद्दीन अला रहमत रिज़वान एक जलील क़द्र आलिम और अपने वक्त के तबीब कामिल थे। माकूल व मनकूल में हज़रत मौलाना अबुल हसनात अब्दुल हय लखनवी अला रहमत रिज़वान के शाकिर्द रशीद और फन तिब में हाज़िकुल मुल्क हकीम अब्दुल अली साहब जवाई टोला लखनऊ के अरशद तलामीज़ाम थे। फन तिब में हज़रत मौलाना जमालुद्दीन अला रहमत रिज़वान का पाया बहुत बुलंद था। इसमें खुसूसी मलका भी हासिल था। दूर दूर तक आपका नाम चलता था। इस वजह से अजमतगढ़ के राजा ने आपको अपना तबीब ख़ास बनाया हुआ था। आप वो बेदार बख्त और खुश नसीब इंसान हैं जिनको हज़रत सदर शरिया अला रहमत रिज़वान जैसे आफ्ताब व महताब होने का शर्फ हासिल हुआ। आप एक क़ादिरुल कलाम शायर भी थे और उरूज तखल्लुस रखा करते थे। उन्होंने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कामयाब तबा आजमाई फरमाई। बड़ी खामोशी के साथ शायरी में तबा आजमाई करते रहे। आप शेर व अदब के अलावा तसनीफ व तालीफ की भी भरपूर सलाहियत रखते थे। मेराद मुस्तफ़ा के जवाज पर एक मुदल्लल और मुफसल किताब आपने तसनीफ फरमाई। उसका नाम मेराद उरूज रखा। उस ज़माने में बहुत मकबूल हुई। अब तो ये किताब नायाब हो चुकी है, वरना मंजर आम पर आती तो लोग उसे इस्तेफादा करते। जब हज़रत सदर शरिया अला रहमत रिज़वान हज़रत अल्लामा हिदायतुल्लाह खां रामपुरी अला रहमत रिज़वान से माकूलात और उज़ुर मुहद्दिस सूरती सुम पीली भीती अला रहमत रिज़वान से फ़न हदीस में महारत तामा हासिल करके मुजद्दिद आज़म हज़रत आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अला रहमत रिज़वान की बारगाह में रहकर उलूम शरिया का बेड़ा तकसीम फरमा रहे थे, उसी असना में मौलाना जमालुद्दीन साहब अला रहमत रिज़वान ताऊनी बुखार के शिकार हुए। हज़रत सदर शरिया अला रहमत रिज़वान को जब वालिद माजिद की तबीयत अलील होने की खबर मौसूल हुई तो आप फ़ौरन घोसी तशरीफ़ लाए और वालिद ग्रामी सख्त ताऊनी बुखार में मुबतला थे। रान में एक बहुत बड़ी गलती थी, उसका ऑपरेशन किया गया। उसके बाद फिर आपको सरसाम हो गया, मगर बाद में सरसामी कैफियत दूर हो गई। सब बच्चों को बुलाया और एक वसीयतनामा लिखवाया। 10 अप्रैल मुजफ़र 1330 हिजरी को बाद नमाज मगरिब आपके बच्चे और हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब अला रहमा सभी आपके सामने मौजूद थे। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब से फरमाया कि सिद्दीक़ देखो, अब दाहिने हाथ की हरकत नफ्स साकित हो गई है। देखा तो वाकई साकित हो चुकी थी। फिर फरमाया बाएँ हाथ की हरकत नफ्स साकित हो चुकी है। अच्छा, आप मुझे लिटा दो। आपको लिटा दिया गया। फ़ौरन ज़बान से कलमा तैयबा निकला और रूह उफ़ ऊसरी से परवास कर गई और आपको आपके आबाई ख़ानदान में सपुर्द खाक किया गया। हमारी दुआ है कि रब्बे कदीर हज़रत मौलाना हकीम जमालुद्दीन अला रहमत रिज़वान की कब्र पर रहमत अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए, उनके तवसल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।